हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई मीट वंस अगेन आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। नाउ वी रीड मैथ क्लास थर्ड लेसन 5। इसमें टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो टुडे वी रीड मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू सॉल्व। मल्टीप्लीकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। नंबर दैट इज रिपीटेड इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। इसमें किसी भी नंबर का यदि हम रिपीट करेंगे मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड एडिशन कैसे होंगे तो देखते हैं। इसमें काउंट करते हैं थ्री कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। एक तो तरीका है 3 × 5, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। और यदि हम ऐड करके इसका रिजल्ट रखेंगे तब भी 3 6 3 9 12 3 15, तब भी आपका रिजल्ट सेम आए, चाहे वो एडिशन से कर लो या मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से ये जो मेथड है इसको हम रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन एडिशन कहते हैं। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसी भी टू नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12, तो ये मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। यदि हम इसको खड़ा करके कर देंगे वर्टिकल, 4 × 3 = 12, तो इसमें 5A में आपकी जो टेबल बनी हुई है उसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो उन सवालों को कैसे करेंगे इसमें मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई भी वन टू, इसमें ये एक्स है 2K, तो इसमें 2 2K कितने ग्रुप हैं, 3। 2 2K 2 ग्रुप, तो 2 × 2 = 4। यदि हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4। तो इस मेथड को हम एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म कहलाएगी। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 × y 2, अर्थात 2 × 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आना चाहिए 4। इस तरीके इसे आप ये टेबल, इसमें जो पिक्चर बनी हुई है, काउंटिंग नंबर अलग अलग है,
इसमें ए बी सी डी दिए हैं, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन टू, रिपीटेड एडिशन, इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन, ये टेबल बनी हुई है, इसमें थ्री बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसमें थ्री बॉक्स में अलग अलग क्वेश्चन पुटअप है, जैसे देखते हैं, इसमें दिया है रिपीटेड एडिशन, दूसरे बॉक्स में है इन वर्ड्स, अर्थात इसमें वर्ड्स में लिखना है, और तीसरे बॉक्स में है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन फॉर, ये थ्री बॉक्स बने हुए हैं, इन थ्री बॉक्स में क्या है देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 5 + 5, 4 × 5 है, यदि हम ऐड करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 groups of 5 मतलब 5 के 4 ग्रुप हैं, तो 5 × 4 = 20 और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 4 4 4 4 4, ये एडिशन फॉर्म, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 4 कितने बार है, 6 बार, आप क्या लिखेंगे, 6 groups of 4, अर्थात 4 के 6 ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, और थर्ड जो बॉक्स बना हुआ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, इसमें आप क्या लिखेंगे, 6 × 4 = 24 होता है। यदि आप इसको भी ऐड करना चाहो तो ये भी आपका 24 होगा यहां पर, और 6 इसको भी करना चाहो तो 24 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में इसी तरह से है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, थिन एडिशन फॉर्म, इसमें है वही लेकिन बदल दिया है, थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया है। पहला बॉक्स है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है थिन, और थर्ड बॉक्स है एडिशन फॉर्म, इसमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिया है आपका, इसकी हम बॉक्स बना लेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है 3 × 4, तो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म कहलाता है। अब थिंक फॉर्म में क्या है, 3 4s, मतलब 3 कितने बार है, 4 बार, तो इसको 4 3 बार कर दो, 4 3 बार, ये एडिशन फॉर्म कहलाएगा, ये थिंक और ये मल्टीप्लीकेशन। अगला जैसे 5 × 8, इसमें भी लिखेंगे 5 8 5 8s, अर्थात 8 को 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये एडिशन फॉर्म कहलाएगा आपका, ये थिंक फॉर्म और ये क्वेश्चन फॉर्म। ये जो आपका प्रैक्टिस नंबर
5A कंप्लीट हो जाएगी। अगली प्रैक्टिस आती है 5B, काउंट वाई ग्रुप्स। ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस 5B, काउंट वाई, काउंट वाई कैसे करेंगे? जैसे इसमें आपको टेल से करना है ये क्वेश्चन। जैसे 1 सॉल्व किया हुआ है, फोर्स अप टू 40। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, 6 अप 60। अर्थात हमें 6 से शुरू करना है और 60 तक ले आना। तो 6 की टेबल पढ़ते जाएंगे, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होगा आप टेबल से 1, 2, 3, 4, 5 इसमें शेयरिंग की टेबल से, फोर्थ में 8 की टेबल से और 5 में 10 की टेबल से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रैक्टिस आती है 5C। 5C में प्रोडक्ट बनाना है, राइट द प्रोडक्ट। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। फाइव सी, फाइंड प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी काउंटिंग नंबर और ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग दिस काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। किसी भी टू नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उसका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 × 5, 2 × 5 = 10 होगा, 10 को हम प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन 2, राइट द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर में कुछ नंबर मिस है, उन मिस नंबर को आप पढ़ के चेक करके कंप्लीट करेंगे। तो जैसे लिखा है 8 × किससे नंबर है बाई बॉक्स फिल करना है और रिजल्ट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है 48। तो आप 8 की टेबल पढ़ेंगे 48 आ जाए, या फिर दूसरा तरीका है 48 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8 × 48। यहां 8 6 कर रहे हैं, यदि को पता भी करना है कि चाहे तो ऐसे कर लो डिवाइड या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 8 × 48 तो रिजल्ट जो आएगा 6 आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि इस ब्लैंक बॉक्स में 6 रखना है, तो आप रख देंगे। इस तरीके से आप ये 5B 5C तक प्रैक्टिस सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होगी मैं कराऊंगा अगले दिन। थैंक यू।